दो ट्रकों की टक्कर में दो की मौत। माजरा के पास दो ट्रक की आपस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जबकि दूसरा ट्रक डिवाइडर कूदकर दूसरी साइड जाकर टकरा गया। हादसे में ट्रक के केबिन में सो रहे कंडक्टर की जलने से मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के चालक को अस्पताल ले जाते समय एक्सीडेंट में लगी चोट के कारण मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार मरने वालों में एक शख्स यूपी का रहने वाले वीरेंद्र और दूसरा महेंद्रगढ़ जिले का है। हादसा खोल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे नंबर -11 पर गांव माजरा के समीप हुआ। दोनों ट्रक रात के वक्त नारनौल से रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। एक ट्रक के कैबिन में भीषण आग लग गई, जबकि दूसरा रॉन्ग साइड कूद गया। कुनचौ की पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। दोनों के शव को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम है। अरविंद जी, ये जो दुर्घटना हुई है, कैसे, क्या पूरा मामला? सर, रात 1:30 बजे के करीब मामला है। तो दो डंपर जो नारनौल साइड से आ रहे थे, रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो यहाँ एक धमाका हुआ। लोगों ने देखा कि भाई दो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई है यहाँ पे, तो लोगों ने बचाव कार्य भी किया, पुलिस को भी फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड में भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया और अपनी तरफ से ही लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन एक डंपर में आग पकड़ ली और उसमें एक क्लीनर की फंसा होने के कारण जलकर मौत हो गई। सर, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, गांव महाद्रवाल जी, ये जो दुर्घटना हुई है, कैसे, क्या था ये पूरा का मामला? ये दोनों जो गाड़ी थी, ये नारनौल की तरफ से आ रही थी और दोनों एक जोर से धमाका होने के बाद में हमें मालूम हुआ कि भी रात को ऐसे ऐसे समथिंग 1:30 बजे की बात थी, तो एकदम हमारी फैक्ट्री नज़दीक है, तो फैक्ट्री से वहाँ से बंदे आए और वहाँ उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये ट्रक दो ट्रक एक्सीडेंट हो गए हैं और उनमें अचानक आग लग गई, तो उनमें से मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद में आग बुझाने का भी प्रयास किए, परंतु एक जो कंडक्टर था वो गाड़ी के अंदर सो रहा था और वो आग लगने के कारण उसका जैसे मालूम नहीं हुआ और थोड़ी देर में पता चला कि भाई ये कंडक्टर और है इसमें, तो उसको काफ़ी प्रयास किए गए निकालने के और वो बाहर नहीं निकल पाया। आग गाड़ी में ज़्यादा लगी हुई थी, तभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी किया, फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई थी, तो आग काबू न होने के कारण उसकी तो यहीं पे ही मौके पे ही डेड बॉडी एकदम आग से जलकर ख़त्म हो गई थी। और बाकी उस समय 3 बंदे थे, वो दोनों गाड़ियों में 4 थे जैसे कि, तो जो 3 थे वो उस टाइम को सही नज़र आ रहे थे। बाकी बता रहे हैं कि रेवाड़ी जाने पर एक और की दूसरे बंदे की भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।